वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड दिस इज़ अपर्णा एंड मैं लौट आई हूँ एक नए रीडिंग वीडियो के साथ आज के वीडियो का टाइटल से आप थोड़े कन्फ्यूज हो गए कि मतलब अगर आपको पता नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ आज का वीडियो होने वाला है कि आपके आपका जो रिलेशनशिप अभी करेंटली आपके लाइफ में चल रहा है वो आ, या फिर आपके एक्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप रहा है वो जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ रहे हैं इस स्पेसिफिक वीडियो में वो रिलेशन जो है वो आपका कार्मिक रिलेशन है सोल मेड रिलेशनशिप है या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तीन टाइप्स होते हैं मोस्टली रिलेशनशिप के और उनको क्लासिफाई किया गया है आपके पास्ट लाइफ के हिसाब से आपके कर्मास के हिसाब से आपके डूइंग्स के हिसाब से वीडियो शुरू करने से पहले आ, मैं चाहती हूँ कि आप आ, आ, जो टाइम टाइम्स हैं उन्हें देखने के देखकर रीडिंग शुरू करने से पहले आप प्रॉपरली समझ लें कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या है सोलमेट रिलेशनशिप क्या है और ट्विन फ्रेम रिलेशनशिप क्या है तो सबसे पहले मैं कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती हूँ कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जो अपने पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं जो हम लोगों ने बुरे कर्म किए हैं जिसके साथ हमने बुरे कर्म किए हैं वो इंसान अपनी लाइफ में आता है और हमें एक लेसन के तौर पर कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें जो हैं हमने जो उनके साथ की थी वो हमें सिखा जाता है जैसे कि अगर पिछले जन्म में आपने किसी पे चीट किया हो तो इस जन्म में वो इंसान आके आप पे आपके साथ चीटिंग करके निकल जाता है तो ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है कर्मास के हिसाब से वो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा सोलमेट रिलेशनशिप की बात करते हैं सोलमेट रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है आ, एक हमें लगता है कि सोलमेट रिलेशनशिप यानी कि एक अल्टीमेट रिलेशनशिप होती है अपनी लाइफ में ज़रूर होती है बट सोलमेट रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जो हमारे पिछले लाइफ में आ, हमारे पिता रह चुके हैं हमारी माता रह चुकी है हमारे करीबी दोस्त रह चुके हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है अच्छी चीज़ें और हमने उन्हें अच्छी सी चीज़ें चीज़ें सिखाई हैं हम लोगों ने काफ़ी टाइम एक साथ पिछली जन्म में स्पेंड किया है साथ में सीखे हंसे हैं सीखे हैं खेले हैं कूदे हैं एक दूसरे को समझ के एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एक दूसरे को मदद की है तो ऐसे लोग जो हैं वो सोलमेट के तौर पर सोलमेट रिलेशनशिप बनकर खुशियाँ ही खुशियाँ देने के लिए हमें इस लाइफ में आते हैं जैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स हमें सीख देने के लिए आते हैं हमें लेसन्स देने के लिए आते हैं हमने जो बुरे कर्म किए हैं उनकी सज़ा देने के लिए आते हैं वैसे ही सोलमेट जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस जन्म में हमें खुशियाँ देने आते हैं हमें अच्छी चीज़ें सिखाने आते हैं हमें दूर बुरी चीज़ों से दूर करने के लिए आती हैं अभी ये दोनों चीज़ें हो गई बात करते हैं ट्विन फ्लेम की ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होता है उसके बहुत सारे डीप में मीनिंग्स हैं बहुत सारे उसके स्टेजेस हैं तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी मैं बस बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स काफ़ी कम पाए जाते हैं हमारी जनरल uh, पॉपुलेशन में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि एक सोल के दो टुकड़े किए जाते हैं और दो बॉडीज़ में डाले जाते हैं हम बोलते हैं ना दो जिसम एक जान वो होता है ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो बहुत कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में हासिल होती है और साथ ही उसका जो रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जैसे कि हम पहले मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं फिर मिलते हैं और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि वो uh, एक दुनिया के कल्याण के लिए बने होते हैं वो कुछ बड़ी चीज़ें करने के लिए वो सोल को दो हिस्सों में बांटा जाता है ताकि वो दोनों एक पॉइंट पे ज़िंदगी में आके मिले और कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ uh, में अचीव करें कुछ करें अलग uh, इस लाइफ में तो ट्विन फ्लेम जो है वो काफ़ी रेयर रिलेशनशिप्स होती हैं काफ़ी uh, खूबसूरत रिलेशनशिप्स होती हैं Uh, जितनी खुशी देती है उतना ही दर्द देती हैं और जितना दर्द देती हैं उतनी ही खुशियाँ देती है सो so, uh, ये था अबाउट ऑल द थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप सो अगर आपको किसी चीज़ में uh, मतलब अगर आपको आपका गोल कुछ रिलेशनशिप का रखना है तो सोलमेट रखिए क्योंकि ट्विन फ्लेम जित भले ही अल्टीमेट हो भले ही uh, ये मेरा ओपिनियन है कोर्स भले ही अल्टीमेट हो भले ही एक अलग uh, चीज़ के लिए मतलब आ, अलग चीज़ अचीव करने के लिए ज़िंदगी में बनाया गया हो पर सोलमेट जो होता है वो सिर्फ खुशियाँ देता है ट्विन फ्लेम खुशियों के साथ दर्द भी देता है तो सोलमेट तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप होता है तो छः पायल से आपके सामने बारी आई है आपको चूज़ करके जानने की कि आपके आपके पार्टनर के साथ क्या किस तरह का रिलेशनशिप है अगेन मैं रेशो बता देना चाहती हूँ Uh, सबसे ज़्यादा जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं सेकेंडली सोलमेट्स uh, और फिर सबसे कम जो पाए जाते हैं वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स ओके मैं चूज़ करने के लिए आपको और एक ऑप्शन बताती हूँ अगर आपके uh, मतलब एक से ज़्यादा एक्स रहे हो या फिर आपको uh, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में लोगों के साथ की रिलेशनशिप के बारे में जानना हो तो आप अलग अलग कलर का फेदर अलग अलग पाइल जो है वो अलग अलग इंसान को देकर आप मतलब उनको आ, असाइन करके आप वो ये वीडियो देख सकते हैं जैसे कि ब्लू पाइल जो है वो मेरे करंट लव के लिए येलो पाइल जो है मेरे एक्स लव के लिए तो ये ऐस इस तरह से आप किसी को भी कुछ भी असाइन करके कितने भी पाइल्स आप चूज़ कर सकते हैं बस पाइल चूज करते वक्त आप याद ध्यान रखिए कि, कि किसी रिलेशनशिप को किसी इंसान के लिए आप वो असाइन कर रहे हैं आ, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन से पाइल से रेजोनेट हुए हैं और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मेरे आगे जो मैं पोस्ट करूंगी वो मिस ना करें शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ जो है ब्लू फेदर सो so, जिन्होंने ब्लू फेदर चूज किया है सच अ ब्यूटिफुल कलर उनके रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि आपका किस तरह का रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ ओके एस ऑफ वॉन्स है एट ऑफ कप्स है और मेजर आर्काना से आपको एम्पर है ओके सो so, आपका रिलेशनशिप जो है मुझे काफ़ी हद तक आम, कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है आ, मैंने कार्मिक रिलेशनशिप्स के शिप के बारे में पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है तो आपने अगर डायरेक्टली पाइल देखना स्टार्ट किया है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए ओके तो एम्प्रर कार्ड आया है ये रिलेशनशिप जिसके बारे में आपने ये जिसको ये पाइल आपने असाइन किया था वो इंसान जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक अथॉरिटेटिव मैनिपुलेटिव और पावरफुल इंसान के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आए हैं वो ऐसे ये ऐसे इंसान है जिनको सारी पावर उनके हाथ में चाहिए उनका ऐसा मानना है कि इट विल बी माई वे और दी हाई वे यानी कि मेरी तरह से आपको मेरे हिसाब से जीना है या फिर आप जीना ही छोड़ दो इस तरह का अब उनका बर्ताव रहा है आपकी लाइफ में आ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव यानी कि डिसीजंस जब आपको लेने की इनके सामने कोई चॉइस नहीं रहती है इनका डिसीजन जो है ये फाइनल डिसीजन रहता है ये इस तरह से इस तरह का रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों आया है ये रिलेशनशिप इसलिए आया है क्योंकि एक स्पिरिचुअल गोल है आपकी लाइफ का एक स्पिरिचुअल uh, एम uh, था आपकी लाइफ का कुछ अचीव करना था आपको इस कुछ अचीव करना है आपको इस लाइफ में तो वो जो वॉइड कंप्लीट करने के लिए वो जो कमी है आप में आपने सीखा काफ़ी कुछ है इस रिलेशनशिप से तो वो यूनिवर्स चाहते चाहता था uh, कि आप वो चीज़ें सारी सीखें ताकि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में एक तरह का यू नो प्रोग्रेस हो जाए आप कुछ नया सीखे इस रिलेशनशिप से आपने हो सकता है कि ऐसे अथॉरिटेटिव पावरफुल मैनिपुलेटिव इंसान के साथ रहकर आप ये समझ गए होंगे अपनी ज़िंदगी में कि आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो रखना ही है आपको अपना भले ही आप डिसीजन लेने के उस पोजिशन में आप पावरफुल पोजिशन में ना हो पर आपको एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है आपको एक डिसीजन uh, लेने का हक है आप इक्वलिटी में बिलीव करने लगोगे आपको एक uh, एक तरह का कॉन्फिडेंस आया होगा आपका आपकी लाइफ में आपका या फिर आएगा आपकी लाइफ में कि uh, जो भी है मेरी लाइफ का जो uh, रथ है वो मैं खुद चलाऊंगा या फिर मैं खुद चलाऊंगी यानी कोई मुझे डिक्टेट नहीं करेगा कैसे जीना है कोई मुझे बताएगा नहीं कि इस तरह से काम करना है उस तरह से काम करना है या ऐसा ही करो वैसा ही करो किसी को हक़ नहीं बनता है ये चीज़ मुझे बताने का मैं खुद ये चीज़ मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी मैं खुद जीऊँगी या फिर जीऊँगा वटैवर सो ये चीज़ सिखाने के लिए या फिर ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप मैनिपुलेटिव या, या फिर या फिर अथॉरिटेटिव इंसान के अंडर रहकर सीखते हैं तो ये रिलेशनशिप जो है वो उस ची उस रिलेशनशिप ने आपको ये चीज सिखाया है या फिर ये चीज सिखाएगी ये रिलेशनशिप आपको साथ ही दिखाई देता है कि ये ये रिलेशनशिप है काफी इनआउट होती रही है आपकी लाइफ में आप कई बार इस इंसान के साथ ब्रेकअप करके आपने रिकंसिल कर लिया हो झगड़ा करके अपने झगड़ा सुलझा के वापस से एक साथ आए हो तो ऐसी भी चीजें इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज्यादा हुई होंगी ऐसा मुझे लगता है Um, अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट uh, नहीं हो रही है तो लेट इट गो सारी ये जनरल रीडिंग है तो सारे सारे पॉइंट्स आपको रेजोनेट होंगे ही ऐसा ऐसा नहीं है सो so, अगर नहीं हो रहा है सो इट्स ओके ठीक है तो ये था आपका रीडिंग uh, जिन्होंने ब्लू कलर का फैदर चूज़ किया था आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके नीचे बताइए कि आप आपको रेजोनेट हुआ है या नहीं साथ ही अगर आपके कोई वीडियो आइडियाज़ हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकॉन दबाइए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप वो वीडियो मिस ना करें सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंजॉय और स्टे सेफ घर में रहिए कोरोना वायरस से दूर रहिए पाइल नंबर टू फेदर पिंक पिंक फेदर के पा की रीडिंग करने के लिए आए हैं हम लोग सो so, देखते हैं कि आपके लिए आपका रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है हर्मिट आया है आपके लिए सेवन ऑफ सोल्स आया है आपके लिए एंड हैंडमैन आया है आपके लिए ओके सो क्वाइट क्लियर है आपका रिलेशनशिप मुझे कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है अगर आपने कार्मिक रिलेशनशिप आपको क्या है वगैरह पता नहीं है आपने डायरेक्टली पाइल देखना स्टार्ट किया है स्टार्टिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि कार्मिक रिलेशनशिप एग्जैक्टली exactly क्या होता है तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिए रिवाइंड करके वीडियो अदरवाइज़ आपको समझेगा नहीं कि कार्मिक रिलेशनशिप है क्या सो कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपका काफ़ी टाइम से आप काफ़ी सेक्रीफाइस करते आए हैं इस रिलेशनशिप में आ, सामने से आपको उतना आ, साथ यानी कि 50 50 परसेंट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलेशनशिप जो होती है वो 50 50 परसेंट की होती है 50 परसेंट आप इफ़र्ट्स लगाएं 50 परसेंट सामने वाला इफ़र्ट लगाएगा बट आपका जो है एटी टू नाइन्टी आप ही इफ़र्ट लगा रहे हैं और उनकी तरफ से दस परसेंट टू टेन परसेंट उन जो है इफ़र्ट्स लग रहे हैं ज़्यादा इफ़र्ट्स वो नहीं डाल रहे हैं रिलेशनशिप में तो ये इस तरह का रिलेशनशिप रहा है आपका काफ़ी टाइम से हो सकता है कि इस इंसान ने आप पे चीट भी किया हो इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो इस इंसान ने किसी और के साथ संबंध बनाए हो या फिर हो सकता है कि आपको आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हो जो आपको पसंद ना हो तो रिलेशनशिप के वाइज़ देखा जाए तो काफ़ी आपने धोखे खाए हैं रिलेशनशिप में काफ़ी सारी बातें आपसे छुपाई गई थी रिलेशनशिप में गई हो सकती हैं रिलेशनशिप में साथ ही इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद या फिर इस रिलेशनशिप में होने के टाइम में भी आप काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का आपको साथ नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर का आपको आ, सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्यार नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए आइसोलेशन फील करना अकेलापन फील करना ऐसा फील करना कि ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं बस इसी रिलेशनशिप को निभाते जाना है जो कि अच्छा नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है मेरे लिए तो ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है ये अगेन आपको रेजोनेट हो रहा हो तो कंटिन्यू कीजिए अदरवाइज़ आप वीडियो जो है वापस से रिवाइंड करके नया पाइल पिकअप करके नया फैदर पिकअप करके आप वापस से रीडिंग शुरू कर सकते हैं हैंगमैन जब भी आता है जैसे हिंदी में भी इसमें लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया है त्यागा यानी कि त्याग किया है आपने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप की है वो काफ़ी ज़्यादा आप पे ही थी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम और टूटते वक्त भी अगर आपने एक्स के बारे में ये रिलेशनशिप पूछा हो तो टूटते वक्त भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो और आपको बिना हो सकता है कि बिना बताए ही जो है आपके पार्टनर मूव ऑन ऑलरेडी हो गए और आप फिर बाद में आपको पता चला कि वो जो है रिलेशनशिप से हटकर अपनी अलग दुनिया उन्होंने बसा ली है उन्होंने अभी वो मूव ऑन कर गए हैं आपकी उनको ज़रूरत नहीं है सो so, ये भी सिचुएशन हो सकता है आपको कौन सा रेजोनेट हो रहा है उनमें से आप सिचुएशन वो जो है आपको रेजोनेट जो हो रही है वो उठा लीजिए So this was a reading for the people who chose pink feather. आई होप uh, कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो रेजोनेट हुआ या नहीं आपके अगर वीडियो आइडियाज़ हो आपके पास कोई आपकी लाइफ में करंट कोई सिचुएशन चल रही हो जिस पर आप चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो रही हूँ वीडियो में अपलोड करती रहती हूँ बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने पता

सो रियली वेरी गुड कलर वेरी गुड चॉइस गाइज देखते हैं आपके लिए आपके आपका रिलेशन किस तरह से है नाइन ऑफ वॉन्स ओके सिक्स ऑफ पेंटेकल्स वर्ल्ड ओ माई गॉड ग्रीन आप लोगों की चॉइस एकदम परफेक्ट है और ये जो रिलेशनशिप है सॉरी फॉर द वॉइस गाइज वो जो सामने वाले हैं वो झाड़ू कट का कर रहे हैं उनके फ्रंट um, यार्ड में सो so, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है रियली सॉरी ओके सो कमिंग बैक ग्रीन जिन्होंने चूज किया है वेरी लकी पीपल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आपका सो so, एक अलग लेवल का कनेक्शन है एक अलग लेवल पे बॉन्ड है पिछले जन्म हर एक जन्म में आप लोग साथ रहे हैं आप एक ही सोल के दो टुकड़े हो दो जिस्म एक जान हो आप लोग और ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सुंदर है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वर्ल्ड कार्ड आया है कार्मिकली आप दोनों एक साथ हो आपके आ, मतलब कुछ दुनिया का कल्याण करने के लिए आप दोनों एक साथ हो आ, किसी बड़े मोटिव से आप दोनों एक साथ हो आ, सिर्फ आप दोनों को कंप्लीट करने के लिए ऐसा लगता होगा आप दोनों को कि आप दोनों जब साथ हैं एक दूसरे के तो लगता है कि यार एक दूसरे के मतलब द, एक ही है हम लोग कोई डिफरेंस नहीं है आप दोनों में आ, हो सकता है कि मिररिंग मिररिंग बिहेवियर हो आपका जैसा उनका बिहेवियर है आप वैसा ही आपका है दोनों आपका मतलब दोनों को काफ़ी सारी एक जैसी चीज़ें पसंद है या फिर ये एक सिनेरियो हो सकता है या फिर ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो क्योंकि एक सोल के दो टुकड़े हो तो आप दोनों जब एक साथ आते हो तो एक पूरा सोल बनते हो आप तो आ, हो सकता है कि जो आपको नहीं जमता है करने के लिए वो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो एक दूसरे के साथ रहते हो तभी कंप्लीट करते हो घर जैसी फीलिंग आती है एक दूसरे के साथ जब आप होते हो सिक्स ऑफ पेंटाकल्स आया है चैरिटी वर्क वर्क फॉर अदर पीपल वर्किंग फॉर अदर पीपल फॉर वर्ल्ड्स गुड दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आप आप दोनों साथ में आए हो तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपकी रिलेशनशिप में साथ ही दिखाई देता है कि झगड़े काफ़ी होते हैं आप दोनों में पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं अभी फ्यूचर में भी बहुत झगड़े होंगे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की देखिए कैसे एक अलग तरह की जर्नी होती है कि वो दोनों आते हैं एक साथ मिलते हैं एक दूसरे से प्यार हो जाता है या फिर रिलेशनशिप जिस तरह की आपकी है उस तरह से मैं बोल रही हूँ मिलते हैं दे हैव हाँ ईच अदर फॉर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम कुछ दिनों बाद कुछ सालों बाद जो है एक बड़ा ब्रेकअप हो जाता है ठीक है एक पार्ट हो जाते हैं जो रस, रास्ते हैं एक साथ जो बढ़ते हैं एक साथ वो अलग हो जाते हैं पर वो आगे जाके एक दूसरे से मिलते हैं वापस तो ब्रीच में अगर आपने आपका आपके एक्स के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो और ऑलरेडी आपका अभी ब्रेकअप ब्रेक हो गया हो तो हो सकता है कि आगे जाके आप दोनों वापस से एक साथ आएँ तो आ, अभी अगेन टू इन फ्लेम रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो इसी जन्म में कंप्लीट हो जाते हैं ऐसा नहीं होता है गा इस जन्म में हो सकता है कि आप दोनों अलग हो जाए और अगले जन्म में आप वापस मिले तो वो भी बताया नहीं जा सकता ट्विन फ्लेम है जो बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है मैं आई थिंक ट्विन फ्लेम के लिए एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं और एक वीडियो बनाऊं जो प्रॉपरली ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में ही डीप में बताऊँ उस वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सो नाइन ऑफ ऑनस आया है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं uh, अभी शायद हो रहे हैं बिकॉज़ यू आर वन सोल एम सो सॉरी गाइस हमारे पड़ोसी के जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है रियली <laughs> सॉरी <Really sorry. laughs> रोने की स्टाइल देखो बच्चे की ओके सो यही बात कर रहे थे हम लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिए उस बच्चे को रिली रिली सॉरी सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए होंगे आप दोनों के बीच में काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी आपके री में या फिर यूनियन में तो इट इज़ ऑब्वियस गई ट्विन फ्लेम को मैंने पहले जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी खुशी वो एक दूसरे को देते हैं उतना दर्द भी होता है क्योंकि एक अनादर लेवल का कनेक्शन है एक अलग लेवल पे आप दोनों का कम्फर्ट होने एक दूसरे के साथ तो जितनी प्यार भरी बातें होती हैं उतनी ही अनबन भी होती रहेगी सो so, दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट तो ये था uh, आपका रिलेशनशिप जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया था ग्रीन फैदर चूज़ किया था सो आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ है क्योंकि हैविंग अ ट्रिंड फ्लेम रिलेशनशिप इन दिस लाइफ बहुत ही अच्छी बात है uh, मतलब आपकी लाइफ भी काफ़ी हटके रही होगी काफ़ी अलग आपके जर्नी रही होगी लाइफ की सोच so, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को कमेंट कीजिए नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी बताइए मुझे आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आप अगला वीडियो जब मैं डालूँ वो मिस ना करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाई स्टे सेफ घर पर ही रहिए कोरोना वायरस फैल रहा है सो so प्लीज़ घर पे रहिए अपनी केयर कीजिए टेक केयर गाइस एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय एंजॉय बढ़ते हैं जिन्होंने पर्पल कलर का फेदर चूज़ किया था वॉयलेट कलर का फेदर चूज़ किया था उन पे आते हैं आपके लिए देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है एम्प्रेस आया है आपके लिए एट ऑफ सोड्स आया है आपके लिए डेविल ओ लो माई गॉड ओके तो ये रिलेशनशिप काफ़ी क्लियर है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है जिन्होंने पर्पल कलर चूज किया था उनके लिए मैं बता रही हूँ ये कार्मिक रिलेशनशिप है ऐसा रिलेशनशिप जो देखिए अगेन ये रेजोनेट होगा या फिर नहीं आप अगर नहीं होगा तो आ, नहीं हो रहा है लग, ऐसा लग रहा है आपको रेजोनेट तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को नया फैदर पिक कीजिए नए वीडियो के साथ स्टार्ट नए फाइल के साथ स्टार्ट कीजिए अगर मैं बात करूँ इस फाइल की आ, डेविल आया है ऐसा रिलेशनशिप जो सेक्शुअली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है या फिर था साथ ही टेम्पटेशंस जो है बैड हैबिट्स जो है हो सकता है कि आपको आपके आ, पार्टनर की वजह से कुछ ब, बुरे काम करने की आदत पड़ गई हो आ, बुरे हैबिट्स लगे हो आपको या फिर कोई बुरी चीज़ आपके पीछे पड़ गई हो उस वक्त से सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा ये रिलेशनशिप जो है पैशनेट रहता है सेक्सुअल अब्यूज़ भी कई ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इस टाइप के रिलेशनशिप में विद कार्मिक रिलेशनशिप कम्स विद डेविल ऐसे का ऐसे टाइम में होता है सेक्शुअल अब्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपका इसमें मतलब दिखाई दे रहा है अगेन रेजोनेट नहीं हो रहा है तो गो बैक गाइज एट ऑफ सोर्स आया है ट्रैप्ड वाली फीलिंग कहीं पे फंसे हैं आप ये इस रिलेशनशिप में आपको निकलने का बाहर बहुत आप ट्राई कर रहे हैं बट फंसे हुए हैं आप अटके हुए हैं आप इस रिलेशनशिप में इस तरह का ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है बाहर से अगर देखेंगे तो काफ़ी फुलफिलिंग रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है काफ़ी यू नो ऐसा दिखाई देता है लोगों को कि इसको क्या कम है इस रिलेशनशिप में इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप में रहकर बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है ऐसा लोगों को लगेगा बट आप को पता है आप खुद रिलेशनशिप में हैं इसको आपको पता है कई बार गाइस इतने प्यार में अंधे हो जाते हैं लोग कि उनको खुद को ही पता नहीं होता है कि उनको उनके साथ सेक्सुअल अप्यूज़ हो रहा है या फिर उनको रियली सॉरी फॉर द वॉइस गाइस तो उनको ख़ुद को ही पता नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है उनके साथ तो ये भी एक पॉइंट है इस कार्मिक रिलेशनशिप का एम्प्रेस के साथ डेविल है तो ये अगेन थोड़े केसेस के लिए है सभी केसेस के लिए नहीं है बट अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी चांस होता है जब ऐसे काज एक साथ आते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सावधान रहिए अगेन मैं आपको सोल्यू एज अ सोल्यूशन भी बता रही हूँ मैंने किसी चीज़ के लिए अभी तक सोल्यूशन नहीं बताया बट ये रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक है इतनी uh, मतलब क्या बोलते हैं उसको जहरीली बोलते हैं ना रिलेशनशिप जो लाइफ में जहर ही मतलब गंद ही मचाएगी लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप है तो इसमें से आपको बाहर निकलने के लिए एक टाइम आएगा जब आपको मिलेगा मौका बाहर निकलने का तो तभी एक बात ज़रूर ध्यान रखिए इस आप देख सकते हैं इस पिक्चर को ध्यान से सारी तरफ उसको ट्रैप जेल में रखा गया है उस तरह से सारी तरफ से सोड्स लगाए गए हैं आंखें उस आंखों पे उसकी पट्टी बांधी गई है हाथ बांधे गए हैं पर पैर उसके खुले हैं वो निकल सकती है इस रिलेशनशिप से इस सिचुएशन से वो निकल सकती है उसके पैर बांधे गए नहीं हैं तो इसी तरह से आपको समझना है कि आप भी आपको भी एक पॉइंट मिलेगा इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का सेफली तो ज़रूर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए अगेन मैं कहना चाहूँगी रिपीट करना चाहूँगी बार बार कि ये सबके लिए नहीं है ये अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रही है ये पाइल जस्ट चूज समर पाइल एंड वापस से रीडिंग शुरू कीजिए ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है सो so अगर आप इनमें से नहीं है ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है तो यू कैन स्विच द पाइल और स्टार्ट कर सकते हैं वापस से रीडिंग के साथ तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल पर्पल पाइल चूज की थी आई होप के आपको मौका मिले इस रिलेशनशिप से बाहर आने का एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आप रेजोनेट हुए हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ है जिसके बारे में मैं बात करूं और और ऐसे पिकअ कार्ड रीडिंग्स बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट uh, सेक्शन में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रह रही हूँ साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब मैंने वीडियो अपलोड किया है ताकि आप मिस ना करें वो वीडियो

ओके okay, ये ये वो पाइल था जिसमें मुझे थ्री कार्ड्स आए अदरवाइज बाकी कार्ड मुझे दो ही कार्ड्स आए थे इसमें मुझे थ्री थ्री कार्ड्स आए हैं वो मैं कार्ड्स शफल करते वक्त तीन कार्ड्स गिर गए तो मैंने सोचा कि रख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स टेन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ट्स लवर्स ओके सो लवर्स कई लोग ट्विन फ्लेम के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं बट वो नहीं होता है वो सोलमेट के लिए है लवर्स तो लवर्स आया है आपके लिए आपका रिलेशनशिप जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन सोलमेट्स है जो खुशियाँ ही खुशियाँ देगा आपकी लाइफ में आ, ये रिलेशनशिप गाइज ऐसा है आपका जहाँ पे आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे को जानते हैं अगर आप इस जन्म में अब भी थोड़े टाइम पहले ही मिले हैं तो मैं काफ़ी टाइम से मिले हैं जब मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब है कि आप काफ़ी जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी टाइम अपने एक साथ पिछले जन्मों में भी स्पेंड किया है इस जन्म में भी स्पेंड करेंगे ऐसा रिलेशनशिप है ये गाइज़ आपका कि आप एक दूसरे को कम्प्लीट करते हैं जैसे मैंने कहा आप ऐसा ही पार्टनर चाहते थे आपकी लाइफ में ऐसा ही आपका जो है हस्बैंड है या फिर वाइफ है गर्लफ्रेंड फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड हो ऐसा आपका आपकी इच्छा थी बचपन से हो सकता है काफ़ी टाइम से हो सकता है आपको लग रहा था कि ऐसा ही इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए तो ये आपको एग्जैक्टली exactly वैसा इंसान मिला है जैसा आप चाहते हो रेजोनेट uh, हो रहा है तो कंटिन्यू दिस रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा पाइल पिकअप करके वीडियो वापस से स्टार्ट कर सकते हैं आई होप कि ये आपको रेजोनेट हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं साथ ही टेन ऑफ कप्स आया है आपकी फ़ैमिली भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगी अच्छे से आप दोनों तो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फैमिली में भी एक दूसरे के जेलअप हो जाएंगे एक दूसरे के फैमिली के साथ भी आप कनेक्शन बना लेंगे आ, आप अपनी एक खुद की फैमिली भी बनाएंगे आप के आ, पार्टनर आपके बच्चे कुत्ते बिल्ली जो भी आपको पसंद है आपकी फ़ैमिली में एक छोटा घर होगा आपका छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए आपकी इच्छाएं जो सारी हैं आपके दिमाग में एक मैरिड लाइफ के बाद या फिर एक रिलेशनशिप में जो आपकी सारी इच्छाएं हैं वो ये रिलेशनशिप आपकी पूरा करेगा ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा अच्छा है मैं क्या बुरा बोलूँ इस रिलेशनशिप के बारे में सारे काज अच्छे आए हैं एंड एक अलग लेवल पे कनेक्शन है आप दोनों का नाइन ऑफ कप्स जब भी आता है तो विश कमिंग ट्रू का कार्ड होता है ये तो आपकी सारी इच्छाएं जो है इस रिलेशनशिप को लेकर इस इस इन स्पेसिफिक पार्टनर को लेकर वो सारी पार्टनर ये आपकी पूरी करेगा आप दोनों मिलकर पूरी करेंगे शादी में एंड हो एंड अप हो सकता है ये रिलेशनशिप हारमोनी है एक यू नो कोऑर्डिनेशन है आपका एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आप समझते हैं सपोर्ट करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हर एक चीज़ जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होती है बैलेंस जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है जो 50 50 का हर बार मैं बोलती हूँ 50 50 रिलेशनशिप होना चाहिए कि 50 परसेंट इफ़र्ट्स आप डालें 50 परसेंट इफ़र्ट्स आपका पार्टनर डाले तो ये परफेक्ट बैलेंस है आप देख सकते हैं ये चार वॉन्ड्स जो है इन दोनों प्लेट्स को प्रॉपरली बैलेंस कर रहे हैं प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को प्रॉब्लम्स भी अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आए तो भी आपका देखिए प्रॉब्लम्स हर हर इंसान की लाइफ में आते ही है भले वो कार्मिक हो ट्विन फ्लेम हो सोलमेट हो या फिर सिंगल भी रहे लाइफ में कोई भी तो भी प्रॉब्लम्स तो हर एक की जिंदगी में आने ही हैं उनको सॉल्व जो है इस रिलेशन के इस रिलेशनशिप के थ्रू आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी अगर हो तो आपके पार्टनर इन्वॉल्व होकर आपको सपोर्ट करके आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लवर्स कार्ड आया है यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर आप जैसे मैं बोल रही हूँ ओल्ड सोल है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी अच्छे से ऐसा देखिए ऐसे रिलेशनशिप में ऐसा हमेशा होता है कि आप जस्ट मिले हो उस इंसान से पर ऐसी बातें ऐसी ऐसी बातें हो जाती है जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ना करते हो ऐसा एक अलग तरह का कनेक्शन बन जाता है उनसे एक बात करके उनसे एक अलग तरह का कंफर्ट फील होता है ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम अभी अभी मिले हैं ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में हैं काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के बारे में जानते हैं और एक कम्फ़र्ट के साथ आप वो चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं तो ये ये जो होता है इस तरह का कंफर्ट लेवल है आपकी रिलेशनशिप में तो ये थी रीडिंग जिन्होंने येलो कलर का फेदर चूज़ किया था बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है आई होप कि आपको ये रेजोनेट हुआ ही हो क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एंड आई होप कि सबको उनका इसी तरह का सोलमेट जो इच्छाएं हैं उनकी सबको मिले सो लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको रेजोनेट हुआ हो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आप अगले में जो वीडियो डालूँ वो मिस ना करें और आप सबसे पहले देख सकें कमेंट uh, करके बताइए कि आपके पास अगर कोई और वीडियो आइडियाज़ हो अगर अब आप चाहते हैं कि मैं कार्मिक स्मूलमेट टू इनफ्लेम इन सारे रिलेशनशिप्स के बारे में और ज़्यादा बात करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कमेंट uh, करके बताइए तो मैं आपके सजेशंस को ज़रूर मानूंगी और उस तरह के वीडियोस बनाऊंगी आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ सिचुएशंस है और उन पे आप चाहते हैं कि पस आपको मैं जनरल रीडिंग करके वीडियो बनाऊं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स मैं ज़रूर आपके सजेशंस को सुनूंगी और वे वे उस तरह से वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ कोरोना से दूर रहिए घर पे ही रहिए बाहर मत जाइए प्रिवेंशन सारे लीजिए एंड एन्जॉय लास्ट पाइल पे आए हम रेड कलर का फेदर जिन्होंने चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है प्रिंसेस ऑफ कप्स नाइन ऑफ पेंटेकल्स और चैरियट ओके ये रिलेशनशिप जो है वो एक सोल मेट रिलेशनशिप है बहुत ब्यूटीफुल सोल मेट रिलेशनशिप है थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं ये वीडियो एक गुड टोन पे अच्छे टोन पे पॉजिटिव टोन पे एंड कर रही हूँ तो प्रिंसेस ऑफ कप्स आया है इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लाइफ की गाड़ी जो है दोनों एक साथ मिल के, के जा रहे हो चैरियट का चैरियट का यहाँ पे होना यही कहता है कि दोनों जो है आप रिलेशनशिप को फिफ्टी फिफ्टी परसेंट निभा रहे हैं अच्छा तरह से एक आप दोनों का रैपो है अगर एक थोड़ा सा वीक पड़ जाए तो दूसरा जो है उसको संभाल लेता है अगर दूसरा वीक पड़ जाए तो पहल जो पहला वाला है उसको एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन वापस से हैंडल अच्छी तरह से कर लेता है तो एक तरह का बैलेंस है रिलेशनशिप में एक तरह से एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं इतना प्यार है रिलेशनशिप में कि अनबन जो होती है वो हमेशा मीठी तरीके से ही सॉल्व हो जाती है मतलब अगर अनबन भी आपके रिलेशनशिप में हो जाए तो बाहर से जो रिलेशनशिप को देख रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि आप दोनों में प्रॉब्लम चल रहा है तो इस तरह का एक रैपो है आप दोनों में दोनों बात करके सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को दोनों एक दूसरे को हैंडल कर लेते हैं अच्छे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग कनेक्शन है आप दुस, एक दूसरे से आ, ये दिखाई देता है साथ ही अपने आप को भी ढूंढने में आपका आपके पार्टनर जो है वो आपको हेल्प करते हैं यानी कि आपके लाइफ में जो आपके पर्सनल गोल्स हैं उनको भी अचीव करने के लिए आपके पार्टनर जो है आपको सपोर्ट करते हैं आपको हेल्प करते हैं आपको साथ देते हैं जितना वो आपको हेल्प uh, कर सके उनकी उनकी तरफ से जितना वो कर सके इस रिलेशनशिप के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए वो उतना करते हैं आप भी उनके लिए उतना करते हैं उनके अगर वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी आप एक साथ मिलके सॉल्व कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो फैमिली प्रॉब्लम्स हो कोई भी चीज़ हो आप दोनों एक दूसरे को कंसिडर करके एक दूसरे को हेल्प करके सपोर्ट करके आपकी लाइफ की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये सोलमेट्स जो है मैंने जैसे मैंने कहा पास्ट लाइफ से वो रिलेशनशिप आता है अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा है मेरा यानी कि पहले एक चार पाँच मिनट जो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो वो ज़रूर देखिए उसमें मैंने बताया है कि रिले सोलमेट रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते क्या हैं तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आपको ये आगे का रीडिंग थोड़ा समझेगा नहीं थोड़ा बाउंसर जाएगा आपको बट आई होप कि आप समझ रहे हैं कि एक कनेक्शन है आप लोगों का इस तरह से पास्ट लाइफ से जो आ रहा है ऐसा इस तरह का कनेक्शन है स्ट्रोंग कनेक्शन है एक दूसरे के लिए आप uh, मतलब अगर झगड़े भी होते हैं तो ईगो नहीं आता है रिलेशनशिप में आ, मैं सॉरी बोलूँ या वो सॉरी बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाने चाहिए ये आप दोनों का जो है वो मोटिव रहता है वो सबसे बड़ा फोकस रहता है कि प्रॉब्लम्स बस सॉल्व हो जाए और आ, तू आ, तू बड़ा या मैं बड़ा इसमें आपकी फ़ाइटिंग नहीं होती है तो ये काफ़ी अगर होती भी है तो वो सॉल्व भी जल्दी से हो जाती है तो ये इस तरह का इस तरह के काज आए हैं आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप है आपका विच इज़ रियली रियली पॉजिटिव और मैं मैं रियली थैंकफुल हूँ यूनिवर्स से कि ये वीडियो जो है वो कार्मिक पे एंड नहीं हुआ है वो सोलमेट पर एंड, एंड हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव एंड है इस वीडियो के लिए सो so, ये था रीडिंग जिन्होंने रेड कलर का फेदर चूज़ किया था रेड इज फॉर लव तो वो भी काफ़ी अच्छा पिक था आपके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप आई होप कि आप रेजोनेट हुए हों क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं सो so, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आप रेजोनेट हुए हैं कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सा पाइल पिकअप किया था आपको रेजोनेट हुआ या नहीं और आपको अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं जनरल रीडिंग का वीडियो बनाऊं तो आम, आप ज़रूर वो वीडियो टॉपिक नीचे डिस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सजेस्ट कीजिए तो मैं आपके सजेशंस ज़रूर मानूंगी और आ, उस पर वीडियो बनाऊंगी साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रह रही हूँ अभी एंड कम ऑल्सो वो बेल आइकॉन जो है सब्सक्राइब बटन के साइड में उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ और आप वो वीडियो मिस ना कर दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाई स्टे सेफ करोना का बहुत अभी इफेक्ट चल रहा है तो स्टे एट होम बाहर मत जाइए सेफ रहिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो सारे लीजिए एंड एन्जॉय